हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं फायरवॉल के बारे में। आप लोग इंटरनेट तो यूज करते ही होंगे, आपने फायरवॉल का नाम भी सुना ही होगा, लेकिन ये क्या है, कैसे काम करता है और हमें इसकी जरूरत क्यों है, आज इसी टॉपिक पे डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। तो नॉर्मल भाषा में अगर मैं बात करूं तो फायरवॉल दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है फायर और दूसरा है वॉल। फायर का मतलब होता है आग और वॉल का मतलब होता है दीवार, यानी कि कोई भी ऐसी दीवार जो आग को बढ़ने से रोकती हो उसे हम फायरवॉल कहेंगे। तो इंटरनेट की दुनिया में भी फायरवॉल का कुछ इसी टाइप का ही काम है। मान लीजिए कि किसी एक कमरे में फायरवॉल का प्रोटेक्शन है और उस कमरे में आग लग जाती है तो वो आग बाहर नहीं जा सकती। या फिर आप ये भी मान सकते हैं कि अगर बाहर आग लगी हुई है और आपके कमरे में फायरवॉल का प्रोटेक्शन है तो वो आग आपके कमरे तक नहीं पहुंच पाई। तो लगभग लगभग इसका यही मतलब होता है इंटरनेट की दुनिया में भी। अगर हम इंटरनेट में कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं या फिर डाउनलोडिंग कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं ऑनलाइन या फिर कोई भी चीज हम इंटरनेट में सर्व कर रहे हैं, तो अगर बाहर से कोई सस्पिशियस चीज आ जाए, यानी कि कोई मालवेयर हो या फिर कोई वायरस हो वो आ जाए, तो उसे ये फायरवॉल रोक देता है। वैसे ही अगर हमारे कंप्यूटर में या हमारे लैपटॉप में पहले से कोई मालवेयर है या कोई वायरस है और हम कनेक्टेड हैं एक नेटवर्क से, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं या फिर बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो ये वायरस उन सब में ना फैल जाए इसे भी फायरवॉल रोकता है। यानी कि आपके कंप्यूटर से बाहर भी नहीं जाने देगा और बाहर से कोई चीज आपके कंप्यूटर में भी नहीं आने देगा, ये दोनों साइड से आपकी प्रोटेक्शन करता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप लोग मॉल तो गए ही होंगे, मॉल में जब भी आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर आपकी चेकिंग होती है, एक मेटल डिटेक्टर होता है, उससे आपको जाना पड़ता है, वो टों करके आवाज करता है ऊपर से, उसके बाद फिर एक आदमी भी होता है वो पूरा स्कैन करता है आपको कि आप कुछ लेके तो नहीं आए हुए हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? एक्चुअल में वो आदमी को कुछ मिल नहीं रहा है लेकिन फिर भी वो चेक कर रहा है। तो वो क्यों चेक कर रहा है? उसका काम ही यही है कि जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं वो कोई हथियार तो नहीं रखे हुए हैं, वो कोई बंदूक लेके तो नहीं आ रहे हैं या फिर कोई नाइफ वगैरह पकड़ के तो नहीं आ जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो है वो मॉल में लेके जाना बैंड होता है, उसीलिए वो चेक कर रहा है। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि वो जो चेकर है, वो जो आपका मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, वही आपका फायरवॉल है कि बाहर से कोई भी ऐसी चीज जो अंदर आके आपको नुकसान पहुंचा सकती है उसे अंदर आने नहीं देना है। इसी वजह से ही वो आदमी इतना मेहनत कर रहा है। तो वैसे ही काम करता है हमारा फायरवॉल। अब फायरवॉल कितने टाइप्स के होते हैं? तो फायरवॉल एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं, एक हार्डवेयर बेस्ड और एक सॉफ्टवेयर बेस्ड। हार्डवेयर बेस्ड में ऐसा है कि मान के चलिए आपका कोई राउटर है तो आप अपने राउटर के पास उसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद वो फायरवॉल आपके राउटर से जितना भी डेटा पैकेट बाहर जाएगा, जो भी आप सर्च कर रहे हैं वो एक डेटा पैकेट ही है, वो डेटा पैकेट जब जाएगा तो उसमें आपकी आईपी एड्रेस होगी, वो जाएगा और जब कोई डेटा रिसीव करेंगे आप अपने राउटर के थ्रू तो वो उसमें भी आपकी वही आईपी एड्रेस होगी। तो उसे ये पता होगा कि भैया ये जेन्युइन साइट है या जेन्युइन डेटा पैकेट है, इसे हमें अंदर आने देना है, तो वो उसे अलाउ कर देगा आने के लिए। लेकिन अगर उस डेटा पैकेट के साथ कोई भी वायरस या कोई भी मालवेयर उसे नजर आएगा या दिखेगा या वो समझेगा कि आपको कोई खतरा हो सकता है तो वो उसे रोक देगा। फायरवॉल का एक्चुअल में यही काम होता है। तो हार्डवेयर बेस्ड को आपको इंस्टॉल करना होगा, लगाना होगा। वही मैं बात करूं अगर सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल की, तो भैया ये आपको बहुत सारे एंटीवायरसेस में देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका नेट प्रोटेक्टर हो गया या फिर कैस्पर स्काई हो गया या फिर क्विक हिल हो गया। ये सारे लोग तो आपको फायरवॉल प्रोवाइड करवाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको विंडोज भी एक फायरवॉल प्रोवाइड करवाता है। विंडोज में आपका विंडोज डिफेंडर होता है, उसके साथ ही साथ उसमें फायरवॉल का भी प्रोटेक्शन होता है। जब भी आप कोई नया गेम या फिर नया सॉफ्टवेयर कुछ इंस्टॉल करेंगे तो कभी कभी आपने ये वाला ऑप्शन देखा ही होगा। ये क्यों आता है? ये आपसे परमिशन मांग रहा होता है, क्योंकि ये उस चीज को अच्छे से समझ नहीं पाता है और उसे हार्मफुल समझ रहा होता है, तो आपसे परमिशन मांगता है कि भैया अगर आप बोलेंगे तो मैं इसे अलाउ कर दूं, वरना मैं तो इसे रोक के रखा हूं, मेरे को इसके ऊपर डाउट है। तो उसके बाद अगर आप उसे परमिशन दे देते हैं तो आपका वो सॉफ्टवेयर स्मूथली रन करना चालू हो जाता है, और अगर आप उसे डिनाई कर देंगे तो फिर वो आपके सिस्टम में उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने ही नहीं देगा। तो फायरवॉल एक्चुअल में बहुत ज्यादा काम की चीज है। अगर ये ना हो
तो हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई वेबसाइट में विजिट करते हैं या फिर कोई चीज डाउनलोड कर रहे हैं और उस डाउनलोडिंग के साथ ही साथ कोई मालवेयर आपके सिस्टम में आ गया और हो सकता है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी कर सकता है या फिर आपके बैंक डिटेल्स चोरी कर सकता है या फिर कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो आपका पूरा हार्ड डिस्क का डेटा ही उड़ा देते हैं और फिर बाद में फोन आता है कि भैया इतने पैसे भेजो तब हम आपका डेटा रिकवर करेंगे या फिर आपको आपका डेटा वापस करेंगे। इस टाइप से बहुत सारी परेशानियां हमें हो जाती हैं, तो इन सब से बचने के लिए फायरवॉल बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। फायरवॉल के होने से आपको ये सब परेशानी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ फायरवॉल के बारे में अच्छे से आपको समझा पाया होगा और आप समझ पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास रेगुलरली पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी जोरदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।